हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है छत पर आप किस तरह से टमाटर उगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टमाटर का एक गुच्छा है और यहाँ पे भी ये देखेंगे आप अगर, तो यहाँ पे भी टमाटरों का गुच्छा है। तो ये एक सिंगल पेड़ है फ्रेंड्स, मैंने भी इतना बड़ा पेड़ पहली बार ही हमारे ग्रो हुआ है। ये देखिए यहाँ से लेके ये पेड़ आप देखेंगे तो इतना बड़ा ये पूरा एक पेड़ है। और यहाँ पे भी इसमें देखिए काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं। अब देखते हैं इसमें फ्लावरिंग होती है या नहीं, फ्रूट्स लगते हैं या नहीं। पर फ्रेंड देखिए, जब आप टमाटर लगाते हैं तो मिट्टी जो है इसकी बिल्कुल पोरस है। पानी भी इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ, जितना पानी इन्हें रिक्वायर होता है उतना ही देती हूँ। इसे देखिए मैंने बांध दिया है सहारा देने के लिए, क्योंकि बहुत ऊंचा पेड़ हो गया था। तो फ्रेंड्स ये मैंने घर में ही जो हमारे टमाटर होते हैं उन्हीं से लगाया है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जब भी आप ये देखिए, ये भी एक टमाटर का पेड़ है, अभी बहुत छोटा है। और ये भी देखिए फ्रेंड्स आप, ये जो है ये है, ये सारे ये भी है, ये भी सारे टमाटर के पेड़ हैं। तो ये मैंने घर के सीड से डाले हैं। तो फ्रेंड्स इतना ध्यान रखिए कि मुझे लग रहा है कि ये जो है, जैसे कि ये है एक, इसमें एक भी टमाटर अब तक नहीं आया है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स आप इस बात का ध्यान रखिए, मैं आपको और भी टमाटर दिखाती हूँ, कि आप जो भी बीज डालते हैं, आप ये देखिए कि ये पेड़ है, इसमें अब तक मात्र एक टमाटर लगा है। ये भी है यहाँ पे, इसमें भी अब तक कोई टमाटर नहीं लगा है, सिर्फ एक ये छोटा सा यहाँ पे है, ये देखिए बस एक ही लगा है। तो फ्रेंड्स इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो भी आप सीड्स लगाते हैं तो घर में ही से ही, जैसे आपने सीड्स डाले हैं, ये देखिए यहाँ पे भी डाले हैं मैंने, ये छोटे से डिब्बे में लगाया है, यहाँ पे भी ये मैंने इसमें लगाया है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें कि बीज जो हम डालते हैं वो अच्छी क्वालिटी के डालें, और बेहतर होगा फ्रेंड्स कि आप मार्केट से जो है सीड्स खरीद लाएँ। इस बार तो मैंने नहीं खरीदे हैं, पर अब की बार मैं सोच रही हूँ कि मार्केट से मैं ज़रूर परचेज करूँ, ताकि जो है, क्योंकि देखिए गमला भी आपको रुकता है यहाँ पे, ये छोटी छोटी सारी टमाटर के पेड़ हैं और आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी निराशा होती है, क्योंकि अब तो सीज़न भी जा चुका है, अब मैं डालूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो अच्छी क्वालिटी के आप बीज डालें, और पॉट का साइज भी जो है आप मीडियम रखें, और उन्हें फ्रेंड्स खाद ज़रूर डालें, क्योंकि अब